दोस्तों आप इजिप्ट के इन विशाल और मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स यानी पिरामिड के बारे में तो जानते ही होंगे और आपने इनके बारे में इंटरनेट पर बहुत सारी तस्वीरें और वीडियोस भी देखी होंगी। हालांकि वो जितनी भी तस्वीरें और वीडियोस हैं वो सभी की सभी नीचे से ही बनाई गई हैं, पर क्या आपको पता है कि इन पिरामिड के ऊपर से कैसा नज़ारा दिखता होगा और वो कितना ज़्यादा शानदार होगा। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ कि इजिप्ट के इन पिरामिड पर चढ़ाई करना एक इलीगल एक्टिविटी है और ऐसा करने पर आपको 3 साल की जेल भी हो सकती है। लेकिन इन सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए एक जर्मन टूरिस्ट एंड्रियो सोचाल्स की इनके ऊपर चढ़ गया और उसने 8 मिनट में ही 500 फीट की चढ़ाई कर डाली, जिसके बाद उसने पिरामिड के ऊपर से वीडियोस और फोटोज भी खींची। लेकिन एंड्रयू ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो इन पिरामिड की चढ़ाई कर रहा था तो उसे 2 पुलिस वालों ने देख भी लिया और जब वो पिरामिड से नीचे उतरा तो पुलिस वालों ने उसे एक कंडीशन पर छोड़ने का वादा किया कि अगर वो अपनी जो सभी वीडियोस और फोटोग्राफ जो उसने पिरामिड के ऊपर से ली हैं वो डिलीट कर देगा। और ऐसा ही एंड्रयू ने किया भी। लेकिन एंड्रयू ने कहा कि एक चीज जो पुलिस वालों को नहीं पता थी कि उसने इन पिक्चर और वीडियोस को बाद में एक सॉफ्टवेयर की मदद से रिकवर कर लिया था, जिसके बाद उसने इन सभी फोटोज और वीडियोस को इंटरनेट पर अपलोड भी किया और बहुत सारी पब्लिसिटी भी बटोरी। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।